आज का जो वर्ड है वो मैंने आपको बताया कि सेल्फ से रिलेटेड वर्ड है। सेल्फ मीन्स होता है स्वयं या खुद। अब ये एक प्रीफिक्स है, अब इससे कितना वर्ड बनेगा ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले वर्ड हम देखते हैं सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड तो सेल्फ का तो मतलब हो गया स्वयं, और सेंटर्ड का मतलब होता है केंद्रित। जब कोई व्यक्ति स्वयं पर केंद्रित रहता है तो उसको हम कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड, यानी आप इसको कह सकते हैं आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित यानी जैसे कि यहाँ पर आप आत्म भी लिख सकते हैं, यानी स्वयं खुद या आत्म। तो पहला वर्ड क्या बना, सेल्फ सेंटर्ड। तो सेल्फ सेंटर्ड मीन्स हो गया आत्म केंद्रित। फिर दूसरा वर्ड इससे बनता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो देखो बाबू, एक वर्ड होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक वर्ड होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस, ये दोनों में अंतर है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हो गया आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आप इसी से फिर वर्ड बना सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट तो ये हो गया आपका आत्मविश्वासी। तो आप देख रहे हैं कैसे सेल्फ से वर्ड बनता जा रहा है। तो सेल्फ, आप तो सेल्फ पहले से ही जान चुके हैं कि सेल्फ से, और सेल्फ मतलब स्वयं, खुद या आत्म। अब सेंटर्ड, अब अलग अलग जानना, सेंटर्ड क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंट क्या है। अब इसका अगला वर्ड हम आपको बता रहे हैं। अब अगला वर्ड है सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आत्मरक्षा। जब कोई व्यक्ति स्वयं की रक्षा करता है, खुद की रक्षा करता है, आत्म रक्षा करता है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है बचाव या रक्षा, इसलिए सेल्फ डिफेंस बना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला वर्ड देखते हैं हम, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, अब आप जानते हैं कंट्रोल मीन्स क्या होता है। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण होता है, आत्मनियंत्रण। जब कोई व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण नियंत्रित करता है तो सेल्फ कंट्रोल है, तो इसको कहेंगे आत्म नियंत्रण। अभी से फिर अगला वर्ड बनता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव देखो बाबू, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाश, घात। जब कोई व्यक्ति अपने आप के साथ विनाश, अपने आप को विनाश करता है, जब कोई व्यक्ति अपने आप के साथ घात करता है अपने आप के साथ, तो वो हो गया सेल्फ डिस्ट्रक्टिव यानी आत्मघात। फिर इसे अगला वर्ड बनता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, ESTEEM, सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है स्वाभिमान। जब हर आदमी का एक अपना स्वाभिमान होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, उसको कहा जाता है सेल्फ एस्टीम या स्वाभिमान। फिर इसे अगला वर्ड बनता है सेल्फ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब आप समझते हैं रुचि। जब कोई व्यक्ति अपने आप में रुचि रखता है तो उसके लिए आता है सेल्फ इंटरेस्ट। फिर वही जिसे आप उसको कह सकते हैं स्वार्थी। यह स्वयं के बारे में सोचेगा, सेल्फ के रुचि के बारे में सोचेगा, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, बाकी उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। फिर इसे अगला वर्ड बन सेल्फ एजुकेटेड। तो सेल्फ एजुकेटेड का मतलब हो गया आत्मशिक्षित। जब कोई व्यक्ति अपने आप को शिक्षित करे, स्वयं से शिक्षित हो, उसके लिए वर्ड आता है सेल्फ एजुकेटेड। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट तो रिलायंट का मतलब क्या होता है बाबू, रिलायंस। रिलायंस मीन्स भरोसा होता है, रिलायंट का मतलब हो गया निर्भर। तो सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर। जब कोई व्यक्ति अपने आप पर निर्भर है, अपने आप पर उसको भरोसा है कि मैं ये काम कर लूँगा, तो वो सेल्फ रिलायंट है। अब इसमें मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर आप बताइएगा। आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।